कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सिविल लाइन के जिला कलेक्टर पर देश भर में बढ़ती महंगाई के विरोध में आवाज उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर अलग अलग संगठन के लोगों ने मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने की सरकार से गुहार लगाई जा रही है। इसी कड़ी में आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रदेश में बढ़ रही पेट्रोल डीजल व घरेलू सिलेंडर की कीमतों के संबंध में सिविल लाइन के जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पेट्रोल डीजल घरेलू सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सरकार को तुरंत रोक लगानी चाहिए। भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि केंद्र व राज्य सरकार टैक्स घटाकर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को कम करे, पेट्रोल डीजल घरेलू गैस की बड़ी कीमतों को वापस किया जाए, गैस की सब्सिडी जारी की जाए, सरकार द्वारा महंगाई को रोकने को ठोस कदम उठाए जाएं, किसानों का दमन बंद किया जाए और तीनों कृषि कानून बिल वापस लिए जाएं, यूपी में हो रहे गैंगरेप महिलाओं की हत्या पर रोक लगाई जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन देने वालों में संगीता सैनी, रोहिताश राजपूत, सूरज हुमा, बहादुर अली, संतराम आदि लोग मौजूद थे। मैडम, क्या नाम है आपका? सपा। किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मामला है? बढ़ती आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे महिलाओं के बजट पे भी बहुत असर पड़ा है। उससे घर का भी बजट बहुत खराब हो गया है और रोजगार तो हमें पहले से खराब है। बच्चों की पढ़ाएं कैसे और आम आदमी अपना इलाज कैसे कराएं, बढ़ती महंगाई के चक्कर में सिलेंडर के दाम बढ़े हैं पहले में और अब में कितना फर्क आया है आपको घर में गृहस्थी चलाने में? सिलेंडर तो दे दिया है लेकिन वो जंग खा रहा है ना घर पड़े पड़े। 900 रुपये का सिलेंडर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। वो जो महीने का बजट होता था उसमें कोई असर पड़ा है आपके, वो बिगड़ा है या वैसे ही चल रहा है बजट? नहीं नहीं, बहुत ही असर पड़ा है घर के बजट पे, तो बहुत ज़्यादा महिलाओं पे असर पड़ा है। बच्चों की पढ़ाई कैसे करें और इलाज कैसे करें, हम आदमी क्या क्या मांग करेंगी सरकार? मांग करेंगे कि हमारे जो सरकार कहती थी कि अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन नहीं चाहिए हमें, हमारी सरकार हमें बुरे दिन ही वापस कर। रोहताश कुमार राजपूत है। आज हमारा प्रदर्शन जो पेट्रोल डीजल के रोज पर रोज दाम बढ़ रहे हैं और उनके दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ रही है और हर जो खाद्य पदार्थ हैं उनके रेट आसमान छू रहे हैं और महंगाई की मार से जनता में त्राही त्राही मच रही है। इसको लेकर के आज हमारा यहाँ पर प्रदर्शन है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में आज जो गरीब तबका है और उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर जितना मजदूर तबका है उस पर जो महंगाई की मार पड़ी है, 2 जून की रोटी जुटाना आज मजदूरों को बड़ा मुश्किल हो रहा है। सरकार ने पेट्रोल पर डीजल पर जो टैक्स तमाम बढ़ा रखे हैं उन टैक्सों के बढ़ने से पेट्रोलों के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं और जब पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो किराया ढुलाई के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बढ़ने से जो हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। अगर सरकार पेट्रोल और डीजल पर ये टैक्स हटा दे तो दाम बहुत नीचे आ जाएंगे, जबकि कच्चा तेल बहुत सस्ते में आ रहा है लेकिन इस सरकार ने जानबूझ करके दाम बढ़ा रखे हैं। आज इसके विरोध में हमारा ये प्रदर्शन है कि सरकार तत्काल इन बढ़े दामों को वापस ले और हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने गैस की सब्सिडी समाप्त कर दी है। जब गैस की सब्सिडी समाप्त कर दी, कर्मचारियों के पेंशनें समाप्त कर दी, तो जो सांसद और विधायक बैठे हैं उन सांसद और विधायकों की भी जो पेंशन है सरकार को ख़त्म कर देनी चाहिए। और दूसरा ज्ञापन हमारा किसानों के समर्थन में है, किसानों का जो दमन हो रहा है, किसानों के जो फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं उनका दमन बंद किया जाए और वो फर्जी मुकदमे वापस लिए।